गुड मॉर्निंग छात्रों, आज कक्षा 9 विज्ञान के दूसरी अध्याय द्रव्य का संगठन या एनसीईआरटी में आप देखेंगे हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। तो इसमें जो है द्रव्य या पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें निश्चित द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। द्रव्य को जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर और अनप्योर मैटर। तो पहले हम अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ को जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है, तत्व, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे, और यौगिक को कंपाउंड कहेंगे। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा जो है दो या दो से अधिक अन्य सरल तत्वों में या पदार्थों में बांटा न जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट जो है तीन प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर एक के धातु, नंबर दो पे अधातु, नंबर तीन से उपधातु। धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, धातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, या जो है विद्युत धनात्मक होती है। और धातुएं जो है यदि भौतिक गुणों को देखा जाए तो इसमें जो है तन्यता, तन्यता का गुण है, फिर उसके बाद धातु चमक है, ध्वनि उत्पन्न करती है, और विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। अधिकतर धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती है, सिवाय पारे को छोड़कर के, मरकरी को छोड़कर के, पारे का संकेत जो है क्या है? HG। फिर उसके बाद जो है और धातु जिसे जो है नॉन मेटल्स कहते हैं, जो धातु के गुण होते हैं भौतिक, ठीक है उसके विपरीत गुण होते हैं, अर्थात धातुएं जो है विद्युत और उष्मा की कुचालक है, इलेक्ट्रॉन को ये जो है ग्रहण करती है, जिससे जो है इनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। और फिर उसके बाद जो है इनमें धातु चमक नहीं होती है, ये भंगुर होती हैं, इन्हें जो है टूटने पे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, इन्हें क्या कहेंगे? भंगुर। फिर उसके बाद जो है और इन्हें चालक रूप में बदला नहीं जा सकता है, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, और ये विद्युत ऋणात्मक होती है। सिवाय जो है ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए, जो कार्बन का एक अपर रूप है जिसे हम पेंसिल में यूज करते हैं, वो जो है थोड़ी सी उसमें चमक होती है, तो अपवाद जैसे। तो इसमें देखा जाता है धातु में तो कार्बन हो गया, कोयला, फिर उसके बाद सल्फर, फास्फोरस, ये सभी तत्व जो है अधातु के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद उप धातु जिसे मेटलॉइड कहते हैं, मेटलॉइड वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उप धातु या मेटलॉइड्स। इसमें देखा जाए तो जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये सब जो है धातु के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा शुद्ध पदार्थ है कंपाउंड या यौगिक। तो इसकी परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात को, दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं के निश्चित संयोग से, निश्चित अनुपात के संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे H2O में पानी है, पानी में देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि इसमें अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का आप बताते हैं संबंध याद हो गया। फिर उसके बाद अमोनिया हो गया NH3, NH3। तो इसमें देखा जाए तो इसका 7 होता है, इसका एक होता है संबंध 7 संबंध 1 हो गया। इस तरह से ये जो अनुपात है, क्योंकि एग्जाम्पल को आप याद रखते हैं, कंपाउंड में बहुत से कंपाउंड है, वाटर है, फिर उसके बाद जो है चीनी है C6H2O6, अमोनिया NH3 और मेथेन CH4 एथेन C2H6, तमाम कंपाउंड इसमें
आए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कर सकते हैं, मिक्सचर। और मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजेनियस मिक्सचर करते हैं, विषमांगी को हेटरोजेनियस। ऐसे इसमें देखा जाए दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों के संयोग से इसमें अनुपात निश्चित नहीं है, कितने अनुपात में निश्चित है, मिला हुआ है। संयोग से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलन से एक नए पदार्थ का निर्माण हो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे देखा जाए वायु क्या है, धूल वायु तमाम अशुद्धियों का मिश्रण है। मिश्रण को दो श्रेणियों में बांटा गया, समांगी। जैसे आप जो है पानी में नींबू को घोल दें तो उसमें आप बाद में नींबू को देखेंगे तो नींबू दिखाई नहीं देगा, पानी में चीनी को घोल दें तो चीनी बाद में दिखाई नहीं देगी, उसमें जो है नमक को घोल दें तो नमक दिखाई नहीं देगा। अर्थात उनकी अवयव जो है उसमें प्रकट नहीं हो, दिखाई न दे, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर विषमांगी मिश्रण है, वे मिश्रण जिसमें जो है उनकी अवयवी संघटकों को देखा जा सके स्पष्ट रूप से उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। जैसे आप जो पानी में लकड़ी के बुरादे को घोल दें या जो बालू को रेत को घोल दें तो रेत के कणों को और बालू या रेत के कणों को या जो लकड़ी के बुरादे को आसानी से देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो आज जो इस चैप्टर में जो इस चैप्टर की समरी को थोड़ा सा पढ़े, आगे चल करके अपनी टॉपिक को पोस्ट किया जाएगा। धन्यवाद।